देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी आतिथ्यम हेल्थ केयर हॉस्पिटल के प्रांगण में IWC वाराणसी स्वर्ण मंचरी के बैनर तले प्रोजेक्ट किया गया, जिसके अंतर्गत एक कमजोर आर्थिक स्थिति की मुस्लिम नर्स की मेहंदी का आयोजन किया। साथ ही साथ क्लब सदस्यों द्वारा जरूरी सामग्री भी भेंट स्वरूप दी गई, जैसे स्टील फाइबर क्रॉकरी, डिनर सेट, लेमन सेट, पुडिंग सेट, प्रेशर कुकर, कैसरोल सेट, मेकअप किट, कपड़े इत्यादि। इस कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों में PDC ममता द्विवेदी, अध्यक्षा डॉक्टर ऋचा पाठक, सचिव रंजना ओझा, एडिटर श्रावणी चटर्जी वैशाली, संयुक्त कोषाध्यक्ष रोशनी अग्रवाल एवं हॉस्पिटल के स्टाफ पारुल, पवन, रुक्मणी और दुल्हन यास्मीन उनकी माता बहनें और भाई थे। कार्यक्रम के तहत मेहंदी और ढोलकी की रस्म अदा की गई, फिर क्लब सदस्यों द्वारा दुल्हन को उपहार प्रदान किए गए। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, वाराणसी स्वर्ण मंजरी इनर व्हील की मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी तात्कालिक। जी ऋचा मैम, किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया गया, कहाँ पर किया गया? एक्चुअली हम लोगों के इनर व्हील में इस वर्ष का है कि जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में मदद करना, उसी प्रोजेक्ट के तहत मैं यहाँ कर रही हूँ। ये आतिथ्यम हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल है और इसकी जो नर्स है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और हम सब मिलकर इस मैरिज वाले में उनके परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पीछे सामान है जो हमारे क्लब की मेंबर्स हैं, उन सब ने सहयोग किया है। इस प्रकार हम लोग इस विवाह में उनके पेरेंट्स की मदद करना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट हमारा मेन यही उद्देश्य है कि जो हम लोग के धर्म में भी कहा गया है कि कन्या के विवाह में हेल्प करना सबसे मतलब पुण्य का काम है और ये पुण्य कार्य करने का हम लोग को सुअवसर प्राप्त हुआ है इस इनर व्हील स्वर्ण मंजरी के। सामान में विद्या रानी को क्या क्या दिला रहे हैं? सामान में उनको हर तरह तरह की चीज़ें दिला रही हैं, जैसे बर्तन सेट है, चाहे वो स्टील का हो, क्रॉकरी हो, हर तरह के बर्तन सेट हैं और कैसरोल का सेट है, कपड़े हैं, मेकअप की सामग्री है, गृहस्थी के सामान हैं, मतलब विवाह से संबंधित दुल्हन से की जरूरी जो भी सामान है वो सब उनको दिया जा रहा है। ऋचा मैम, अगर बात की जाए तो स्वर्ण मंजरी क्लब आपके नेतृत्व में लगातार सफलता पा रहा है, क्या देखती हैं आप उसको भविष्य में? मुझे भविष्य स्वर्ण मंजरी जैसा कि नाम है, मुझे इसका भविष्य बिल्कुल स्वर्णिम लग रहा है क्योंकि इसकी जितनी भी सदस्याएँ हैं सब गोल्डन हैं, क्योंकि सब लोग बहुत ही सक्रिय हैं और समाज सेवा में इतनी जुड़ी हुई हैं। बस एक मैं मैसेज करती हूँ कि इस तरह का प्लान है करने का, सारी बहनें खुलकर चली आती हैं, बहुत मतलब खुलकर मदद करती हैं और हर तरह जो कहा जाता है ना कि चाहे मनसा वाचा करना, मन वचन कर्म से वो हमारे साथ रहती हैं। जब जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है मैं बोलती हूँ आती हैं, तो हम सब मिलकर इस क्लब को काफ़ी ऊँचाई तक ले जाने की मनसा रखते हैं और इसमें हमारे जरूरत बच्चे हों उन सब के लिए काम करते हैं। अभी हम लोगों ने एक स्कूल में प्रोजेक्ट किया था, करीब 130 बच्चों को कॉपी किताब पेन पेंसिल दी गई, उनके साथ 15 अगस्त हुआ, उनको मिठाई खिलाई गई। उनके स्कूल में करीब पहले 4-5 पंखे के बाद फिर 10 पंखे लगे वहाँ पे लगवाए गए सारे कमरे, जो कि बच्चे 3 साल से इतनी भीषण गर्मी में बैठ के पढ़ रहे थे ज़मीन में। हम लोग की सामाजिक संस्था के जाने से वहाँ ये एक लाभ हुआ कि सरकारी अधिकारी थे वो भी थोड़ा एक्टिव हुए और वो आए और उन्होंने वहाँ पर अभी बेंच कुर्सी और ये सब देने के लिए वादा किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग इस चीज़ को करेंगे। थैंक यू जी। परिचय बता दीजिए। मैं ममता द्विवेदी, 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 312 और स्वर्ण मंजरी क्लब की चार्टर मेंबर। जी मैम, आप लोग सेलिब्रेट कर रही हैं ग्रैंड प्रोजेक्ट ऑन मैरिज स्पॉन्सरशिप, क्या कहेंगे आज के अवसर पर? इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसा होता है, हम लोग को हमारा क्लब कई लेवल पे है, 4 लेवल पे, इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, क्लब लेवल। तो हम लोग को थीम मिली है नेशनल लेवल से कि आप कन्याओं की जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी में ज़रूरतमंद की मदद करें, उनके घर बसाएं, उनकी गृहस्थी में सहयोग करें, उसके तहत हम लोगों ने प्रोजेक्ट तय किया है। और जैसा शताब्दी वर्ष था हमारे इनर व्हील इंटरनेशनल का लास्ट ईयर, तो उसमें हुआ है कि 100 शादियाँ, 100 चीज़ें बांटना 100, तो उसी के तहत हम लोग 101 का इस का टारगेट है, तो उसके तहत हम लोगों ने तय किया स्वर्ण मंजरी में हम लोग शादी एक एक करा के करना का विचार किया गया। तो आज हम लोग ये इस क्लब से इनर व्हील स्वर्ण मंजरी से पहली शादी का एक प्रोजेक्ट लिया गया है। इसमें सब तरह से एक गरीब कन्या की मदद करते हुए सारा सामान देते हुए उसकी शादी का
की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैम अगर इनर व्हील क्लब के बारे में जानना हो तो दो शब्दों में बताएं। इनर व्हील क्लब इंटरनेशनल संस्था है और जैसा कि आप देखिए इसका नाम स्वर्ण मंजरी ये मैंने ही रखा। मैं 2017-18 में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी तो इनर व्हील को इंटरनेशनल फॉर्म हुए 50 साल हुए थे। गोल्डन जुबली उस समय मनाए गए थे 2017-18 में। उस समय करीब पूरे विश्व से 1500-1600 महिलाएँ बनारस में आई थी। सूर्या में प्रोग्राम हुआ था उसका नाम ही स्वर्ण मंजरी रखा गया था उस प्रोग्राम का नाम। और स्वर्णिम याद है आज भी लोगों के उसमें और यूट्यूब पे स्वर्ण मंजरी नाम से आप देखेंगे एक पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। उसके लिए इसका नाम स्वर्ण मंजरी रखा गया था इस क्लब का नाम। और ये हमारे इंटरनेशनल है, नेशनल है। हमारे पूरे इंडिया में 27 डिस्ट्रिक्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट में 312 डिस्ट्रिक्ट हमारा उत्तर प्रदेश का आता है। इसमें हमारे यहाँ 72 क्लब हैं इस समय। उस 72 क्लब में बनारस में 12 क्लब हैं। 12 क्लब में ये एक क्लब स्वर्ण मंजरी है।